इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नज़र। पूरे मुल्क में एक नया रिवाज अमल में आ रहा है कि अगर पंचायत इंतखाबात या बल्दिया यानी कि कॉरपोरेशन चुनाव भी नज़दीक आने लगते हैं तो नफरत का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है ताकि अक्सरियत और अकलीतों के वोटों की सियासत की जाए। लिहाजा आवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि देश की एकता अखंडता को बरकरार रखने के लिए जो भी कोई इस तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करता है इस पर कार्रवाई की जाए। लिहाजा माशरे को तकसीम करने वाली कोशिश को नाकाम करने का आज़म करने की ज़रूरत है, ऐसा भी कहा गया। वाज़ा रहे कि 19 नवंबर को साबिक वज़ीर आज़म इंदिरा गांधी की यौम पैदाइश के दिन कई जगहों पर राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया गया। जिस कदर मुल्क में नफरत की सियासत का दौर जारी है आवाम में कुछ हद तक मायूसी नज़र आ रही। कई इल्मी दानिश्वरों ने इस बात का शक जाहिर किया कि कहीं मुल्क के अदलिया और पुलिस महकमा भी सियासी पार्टियों के जेर मातहत न अपना काम अंजाम दे, क्योंकि हाल ही में कुछ ऐसे वाक्य पेश आए जिससे यह डर का इजहार किया जा रहा है कि बेलगाम शहर और अतराप में भी राष्ट्रीय एकता दिवस का एहतमाम किया गया। खासकर कांग्रेस पार्टी की जानिब से यौम इत्तेहाद मनाया गया ताकि मुल्क में तमाम मजाहिब के लोग मिलजुल कर रहे। एक तरफ यौम इत्तेहाद का एहतमाम किया जा रहा है तो कुछ हिंदुत्व तंजीमों की जानिब से मस्जिद पर लगाए जाने वाले गैर कानूनी स्पीकर्स को हटाने की मांग भी की जा रही है। बेलगाम डीसी को मुतालबा पेश करते हुए विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जानिब से मस्जिदों पर लगे गैर कानूनी स्पीकर्स को हटाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि सुबह की अजान के बाद और दिन भर 5 वक्त की अजान से ध्वनि प्रदूषण यानी शोर की आलूदगी होती है जिससे बच्चों की पढ़ाई सेहत पर इसका असर होता है। इसके साथ ही एक अजीब दलील पेश करते हुए उन्होंने बेंगलोर के उस वाकये का जिक्र किया जिस पर पुलिस महकमा की जानिब से पहले ही सफाई पेश की गई है कि पुलिस महकमा रियासत के दफ्तर से फर्जी खत सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा था जिसमें मस्जिदों पर लगे अजान के स्पीकरों को निकालने का हुक्म महकमा पुलिस की जानिब से दिया गया। महकमा पुलिस की जानिब से खत फर्जी होने की तस्दीक भी की गई थी, लिहाजा इस फर्जी खबर को ही बुनियाद बनाकर VHP और बजरंग दल ने अपना मुतालबा पेश किया है कि मस्जिदों के स्पीकर्स को हटाया जाए। कहने का मतलब यह है कि फर्जी खत को सोशल मीडिया पर फैलाना भी क्या साजिश थी जिससे एक बार फिर माशरे में तशद्दुद को कायम करने का इनका जो मकसद था। लिहाजा बेलगाम शहर में फिरका परस्त तंजीमों की जानिब से अमन के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अमन के माहौल को बिगाड़ने वालों पर पुलिस महकमा फौरी तौर पर कार्रवाई करे, ऐसा बेलगाम की आवाम का कहना है। क्या पुलिस सख्ती बरतेगी या इनसे नरमाई से पेश आएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बेलगाम शहर को रियासत का दूसरा दारुल हुकूमत यानी राजधानी कहा जाता है, लिहाजा यहाँ पर हर साल सेशन दिसंबर महीने में रखा जाता था। सुवर्ण सौध की तामीर भी इसी मकसद के तहत की गई थी पर पिछले 2 सालों से सेशन को मुनक्किद नहीं किया जा रहा। इस साल भी बेलगाम शहर में अधिवेशन नहीं हो रहा। हासिल इत्तला के मुताबिक कोरोना के मद्देनजर बेलगाम की बजाय बेंगलोर में ही 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक सेशन होगा। इससे पहले भी बेंगलोर में सितंबर महीने में सेशन रखा गया था पर अक्सर MLA MP कोरोना पॉजिटिव पाए जाने लगे जिसकी वजह से वक्त से पहले ही सेशन को खत्म किया गया। बेलगाम शहर में सेशन की वजह से काफ़ी भीड़ चहल पहल रहती है कुछ दिनों के लिए, बाजार में भी खरीदो फरोख्त बढ़ जाती है पर इस साल भी सेशन ना होने से ताजिरों में फिर से मायूसी नजर आ रही। कन्नड़ रक्षण वेदिके की जानिब से एक बार फिर मराठियों को 50 करोड़ रुपए इमदाद देने को लेकर सख्त एहतजाज करते हुए येडियुरप्पा की तस्वीर को नजर आतिश किया गया। कन्नड़ रक्षण वेदिके की जानिब से कहा गया कि हमने तपती धूप में भाजपा को इसलिए वोट नहीं दिया था कि रियासत से दुश्मनी करने वाले मराठियों को 50 करोड़ रुपए की इमदाद करे। आज जहां इन्हें मराठियों से हमदर्दी हो रही है, ये हमदर्दी उस वक्त कहां गई जब हम लॉकडाउन के वक्त घरों में अनाज के लिए तरस रहे थे। इन्हीं पैसों को कर्नाटक के गरीबों में तकसीम करना था, ऐसा भी कन्नड़ रक्षण वेदिके की जानिब से कहा गया। अगर इस ऐलान शुदा इमदाद के फैसले को जब तक वापिस नहीं लिया जाएगा हमारा एहतजाज रियासती तौर पर जारी रहेगा। अगर मराठी समाज को 50 करोड़ का जो ऐलान येडियुरप्पा ने किया है फौरी तौर पर वापस ले या तो फिर वजीर आला की कुर्सी से इस्तीफा दे, ऐसा भी इन्होंने कहा।
सियासी पार्टियों ने कॉरपोरेशन की जगह को पार्टी दफ्तर के लिए लेने की इत्तला हासिल हुई है। कहा यह जा रहा है कि करोड़ों रुपए की जमीन को बिना किसी ऑक्शन के मनमानी दाम को अपने तौर पर तय किया जाता है और इस पर दफ्तर किया जाता है। जिस जगह पर पार्टी दफ्तर का मंसूबा भाजपा की जानिब से किया जा रहा है, पहले जिन लोगों ने ऑक्शन में जो पैसा लगाया था इसे अभी तक वापिस भी नहीं दिया गया, ऐसा भी इत्तला हासिल हुई है। जब कांग्रेस की हुकूमत थी तब भी ऐसा हुआ था। अब भाजपा ने वीरभद्र नगर डबल रोड अब्दुल हमीद चौक के करीब तकरीबन 30 घंटे भाजपा दफ्तर के लिए कब्जा करने की कोशिश की इत्तला हासिल हुई है। वीरभद्र नगर सुभाष नगर एक रिहायशी इलाका है, लिहाजा इस तरह के पार्टी दफ्तर यहाँ मुनासिब नहीं है। किसी दूसरी जगह पर पार्टी दफ्तर का कयाम करे ऐसा अवाम की जानिब से कहना है। अगर इस जगह पर पार्टी दफ्तर बनाने से पहले अवाम से भी मशवरा या तबादले ख्याल करना चाहिए था, ऐसा भी अवाम ने कहा है। हाल ही में हुक्केरी शहर और अतराफ में जबरदस्त बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे। कई छोटी मोटी तिजारत करने वालों का सब कुछ इस बाढ़ में बह गया, लिहाजा बाढ़ मुतासिर इन लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी जो जमात इस्लामी हिंद की ही एक शाख है जिसमें जमीयतुल उलमा हिंद का भी ताउन रहा, इन्होंने छोटी ताजिरों का जिनका सब कुछ बाढ़ की वजह से तबाह हो गया था इनकी इमदाद करके दोबारा इनके कारोबार को शुरू किया। इनके इस इकदाम पर इन्हें मुबारकबाद पेश की जा रही है। वक्ती तौर पर तो काफ़ी तंजीमें तहरीके बाढ़ मुतासरीन के लिए उठ खड़ी होती है पर मुस्तकिल काम करने से नतीजे भी बेहतर साबित होते हैं, इससे यह जाहिर। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं यासीन मकानदार, जमात इस्लामी जिला नाजिम हूँ और हमारी एक ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ सोसाइटी ये जो खिदमत खल्क का काम करता है, जो सैलाब से जो मुतासिर लोग होते हैं उनको जान पहचान कर मुकामी लोगों से जिम्मेदारों से मुलाकात कर उनकी मदद की हमें कोशिश करते हैं। इसी तरह से इस हुक्केरी में बारिश की वजह से नाले का पानी ज़्यादा आने से सैलाब आकर कहने इन लोगों की नुकसान हुए थे, इन लोगों को हमें निशानदेही कर कर एक चाय का दुकान और एक पान का शॉप इस तरह से तीन चार लोगों की मदद किया है। इसमें जमीयतुल उलमाओं की भी इसमें मदद हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब मिलकर कहने इन लोगों को आगे उनके बलबूते पे खड़ा करना है। हम ये चाहते हैं कि सब इसमें तमाम शरीक हों। इंशाअल्लाह हम बेलगाम इस्लाम से आकर हमें मदद करे हैं, बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ मैं।